क्या कह रहा है, हमने काफी सारे इकोनॉमिस्ट बैंकर से बात की और ये समझने की कोशिश की कि इस बार की पॉलिसी में क्या कुछ अहम आ सकता है, कौन कौन से अहम फैक्टर्स होंगे जिस पर कि आपको नजर रखनी है। और इस ये पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ अंकुर जुड़ चुके हैं। अंकुर, गुड मॉर्निंग, बताइए पोल से इस बार क्या उम्मीदें हैं? ये आपसे कुछ ही देर बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर शक्तिकांत दास मॉनेटरी पॉलिसी को पेश करेंगे और जो सबसे जरूरी चीज होगी वो होगी कि क्या इस बार रिजर्व बैंक के गवर्नर रेट हाइक करते हैं कि नहीं, क्योंकि कुछ इकोनॉमिस्ट का जरूर इस बार मानना है कि इस बार रेट हाइक में पॉज हो सकता है। हालांकि ज्यादातर इकोनॉमिस्ट यही मानते हैं कि इस बार 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी हो सकती है रेपो रेट में। इसके अलावा जरूरी चीजें होंगी, इन्फ्लेशन का फोरकास्ट, क्या उसमें 6.7% का जो फोरकास्ट है FY 2023 के लिए उसमें कोई बदलाव होता है, या फिर ग्रोथ रेट का जो प्रोडिक्शन था उसमें कुछ बदलाव करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर। लेकिन जो सबसे जरूरी चीज होगी वो होगी लिक्विडिटी मैनेजमेंट, जो गवर्नमेंट ने बजट में बोरोइंग अनाउंस की है उसके लिए किस तरीके की तैयारी रिजर्व बैंक करता है, और साथ ही साथ जो डिपॉजिट और क्रेडिट ग्रोथ में गैप बढ़ता हुआ आ रहा है। आपने देखा होगा सारे रिजल्ट्स में बैंकों की क्रेडिट ग्रोथ तो अच्छी है लेकिन डिपॉजिट ग्रोथ कुछ सुस्त रही है, तो वहां पर किस तरीके से बैंक लिक्विडिटी को मैनेज करेंगे, क्या CRR में कोई रियायत मिलेगी, ये सारी चीजें देखनी होंगी इस बार की मॉनेटरी पॉलिसी में। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अंकुर ये सारी जानकारी देने के लिए। तो अब से 2 घंटे बाद लगभग क्रेडिट पॉलिसी आ जाएगी जिस पर कि हमारी नज़र होगी और क्या कुछ उम्मीदें हैं, ये अभी आपको अंकुर भी बता रहे थे। इस बार ग्रोथ, करेंसी, मंदी के रिस्क पर RBI गवर्नर की कमेंट्री काफ़ी अहम होगी और काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम देखेंगे कि आज RBI ब्याज दरों में करीब 1.25% की बढ़ोतरी कर सकता है। और हमने जो पोल कराया उसमें 100% जानकारों का ये मानना है कि RBI की पॉलिसी में इस बार 0.25% की बढ़त होगी। अभी कुछ दिन पहले फेड की भी पॉलिसी निकली थी, उसमें भी उन्होंने ब्याज दरों में बढ़ोतरी की थी। और इसके अलावा दुनिया भर के सेंट्रल बैंकर्स जिस तरह से बढ़त कर रहे हैं, RBI भी उस लीड में शामिल हो सकता है महंगाई को कंट्रोल करने में। हालांकि हम देख रहे हैं कि बैंक, सेंट्रल बैंकों की तरफ से जो पेस है वो धीमी हो रही है, लेकिन जब तक पूरी तरह से सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आ जाती ब्याज दरों में बढ़त का दौर आगे भी जारी रहेगा। तो ये थी मॉनेटरी पॉलिसी से अनुमान, लेकिन